نتيجتي تكون من عليك. صار يساعد هو عليك. وين كنت؟ مولاي كائنات. لك وين كنت صار يساعد؟ يا عباس يا خلي. ये जुमला मौला करते थे, लेकिन ये जुमला मौला ने कब कहा? उस कथित मौलाए कायनात अपनी शहादत समझते रहे। तारीख बताती है जनाब मकसूम से मौलाए कायनात ने कहा कि ऐ बेटा चंद दिन तुम्हारे मैं चंद दिनों का मेहमान हूँ तुम्हारे दरमियान। जनाब उम्मे कुलसूम ने बाबा के शहर से जुमले सुने और तड़पने लगी, गिरिया करने लगी। एक जुमला कहती है, बाबा अम्मा का गम अभी हमारे सीनों में महफूज है और आप भी अपनी मौत की खबर दे रहे हैं। मौलाए कायनात एक जुमला कहते हैं कि बेटा उम्मे कुलसूम, मैंने तुम्हारे नाना को ख्वाब में देखा, तुम्हारे नाना आए और मेरे चेहरे से अपनी आबा के दामन को, मेरे चेहरे से गर्द गुबार को हटाया और एक जुमला कहा कि या अली तुमने अपना हक अदा कर दिया, अब हमारे पास चले आइए। अब जैसे ही शहजादी के जुमले सुने तड़प कर गिरिया करने लगी। अजादारो तड़प कर गिरिया किया, बाप ने बेटी को उठाया, सहारा दिया, दस्ते शफकत हाथ सर पे फेरा। मैं हाथों को जोड़ के कहूंगा, शहजादी उम्मे कुलसूम, आपके बाबा ने अपनी मौत की खबर दी थी, आप गिरिया करने लगी, आप तड़प गई, मगर मासूम बाप ने आपके सर पर दस्ते शफकत को फेर दिया। अरे आप सन 61 हिजरी करबला में यही मंजर देखेगी, जब सकीना अपने बाप की जुदाई पर रोएगी तो कोई दिलासा नहीं देगा, सर पे दस्ते शफकत नहीं फेरेगा, तड़पते आवाज देगी, चचा मुझे शिमर के तमाचों से बचा लीजिए। मौलाए कायनात बस आज के मसाइल पढ़ूंगा, अपनी शहादत की खबर दे रहे हैं। एक मरतबा मौलाए कायनात खाना तनावुल कर रहे हैं, सहाबियों ने कहा कि ऐ मौला आप खाना बड़ा कम तनावुल कर रहे हैं, ये क्या बात है? मौला ने कहा, मैं चाहता हूँ जब अपने परवरदिगार की बारगाह में जाऊँ तो खाली शिकम रहूँ। अजादारो माह रमजान आया, 13 तारीख की शेख अब्बास सुन्नी ने लिखा, मस्जिद की सफ़े लगी हुई है, मौलाए कायनात खुतबा दे रहे हैं, अचानक पूछते हैं, बेटा हसन आज माह रमजान की कितनी तारीख है? का बाबा 13 तारीख है। बेटा हुसैन माह रमजान में कितने दिन बचे हैं? का बाबा 17 दिन बचे हैं। अजादारो अचानक कहते हैं, इस मरतबा तुम सब हज पर जाओगे मगर अली हज पर नहीं जा सकेगा। अजरों को मतलब चेहरा, अरे तुम अली हज पर नहीं जा पाएगा, अजादारो अपनी शहादत मौजना पे। उम्मे कुलसूम कहती है, जब बाबा ने मुझे किस्सा बताया था कि तुम्हारे नाना खाम में आए थे, उसके 30 दिन नहीं गुजरे थे कि ये 19वीं रमजान की सुबह आ गई, मेरे बाबा के सर पे जरबत लगी। किस्सा क्या है आप जानते हैं ना? मौलाए कायनात 19वीं की शब जनाब उम्मे कुलसूम के यहाँ मेहमान है, अजादारों पूरा दिन रोजे में गुजरता है। जनाब उम्मे कुलसूम कहती है, जब बाबा घर पे तशरीफ लाए, रफ्तार का वक्त करीब आया, मैंने जौ की 2 रोटियां, जनाब शेख अब्बास कुन्नी का जुमला है, मैंने जौ की 2 रोटियां और एक दूध का प्याला और मैंने नमक अपने बाबा की खिदमत में पेश किया। मौला ने उसको देखा, एक मर्तबा कहते हैं, बेटा ये एक प्याला एक चीज मेरे सामने से हटा लीजिए। अब यहाँ पे 2 रवायतें हैं, मौला ने पहले ही हुक्म दिया कि दूध का प्याला ले जाओ, या बाज ने लिखा कि जनाबे उम्मे कुलसूम नमक को हटाना चाहती थी, मौला ने कहा, बेटा ये दूध का प्याला हटा लो, मैं नमक से अफ्तार करूंगा। अली ने अफ्तार किया, अजादारो कायम उल लैल सायम उन नहार, अली ने अफ्तार किया। अफ्तार करने के बाद जनाब उम्मे कुलसूम कहती हैं, आदत के बरखिलाफ मेरे बाबा अफ्तार के बाद मुसल्ला इबादत पर गए, इबादत में मशगूल हो गए। अजादारो बस आज के मसाइल, इबादत में मशगूल हो गए। मैंने क्या देखा, मेरे बाबा कुछ रकतें पढ़ते हैं, सहने खाना में आते हैं, आने के बाद एक जुमला कहते हैं, इन नहा
अल्लैला अल्लती वोइतो, अरे ये वही रात है जिसका मुझसे वादा किया गया है। वरला है माँ का दिन को गला को दिन को कसम खुदा की नाली ने कभी झूठ बोला नाली को किसी ने झूठ लाया। अजादारो उम्मे कुलसूम कहती है सैन्य खाना में आते हैं बाबा आसमान का रुख करके कहती यही जुमला इन्नहा अल्लैला अल्लती वोइतो। अजादारो उसके बाद फिर मुसल्ला इबादत पर जाते हैं। मैंने देखा बाबा पे ऐसा इस्तेराब और ये बेचैनी की कैफियत वो भी इबादत की तरफ कभी नहीं थी। मैंने बाबा के दामन को पकड़ लिया फौरन कहती मैंने कहा ए बाबा खैर तो है आज आप पर ये इस्तेराब की कैफियत क्यों है आज आप इतने परेशान क्यों हैं। बस मेरे बाबा ने जुमला कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। आजादारो इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे बाबा ने जुमला कहा मैं समझ गई अब मेरा बाबा मेरे दरमियान में नहीं रहेगा। आजादारो तारीफ का जुमला है जनाबे उम्मे कुलसूम ने अपने बाबा की ये कैफियत देखी यहाँ तक के अभी शहर में काफी वक्त था मगर मेरे बाबा ने आदत के बरखिलाफ जहर किया और मुस्तहद इबादत अब मौला आजादारो कहाँ घर में करते थे लेकिन आज बाबा अमामा पहना अबा पहनी घर से निकले आप मस्जिद कूफा में है ना मस्जिद की तरफ बढ़े। आजादारो कयामत आ गई अब जो मेरे बाबा मस्जिद की तरफ बढ़े मुर्गाबियों ने मेरे बाबा के अबा के दामन में उलझ गई और दामन को पकड़ के आजादारो चिल्लाने लगी शेख अब्बास बोली का जुमला मौलाए कायनात ने कहा ए मुर्गाबियो अभी तुम नो हो मातम कर लो कल पूरा कूफा तुम्हारे सामने मातम करेगा। मेरा गिरिया मातम करेगा। आजादारो उसके बाद कहती है मेरे बाबा ने मुझे कहा बेटा उम्मे कुलसूम देखो ये मुर्गाबिया है ये हैवान है जब तुम अगर इनके दाने पानी का इंतजाम न कर सको तो इन्हें आजाद कर देना जानवर को भूखा प्यासा न रहने देना हाथों को छोड़ के कहूंगा यारी आपको हैवानों की भूख प्यास का इतना बयान अरे यही करबला यही कूफा आपके बच्चे जहरा भूखे प्यासे बाजार के नाजुफे के बाजारों दरबार में फिराए जाएंगे। अब जो बाबा बढ़े मुर्गाबियों को हटाया क्या कहती है जनाबे उम्मे कुलसूम मेरे बाबा की अबा के दामन में जंजीरे तर उलझ गई। अब उसके बाद बाबा ने फिर कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। आजादारो उम्मे कुलसूम कहती है बाबा एक शेर दो बैल पढ़ते जा रहे थे उसका मफहूम क्या है कि अली जब कमर कस लो मौत के लिए आमादा हो जाओ जब मौत तुम्हारा मुकाबला करे तो बेताबी का मुजाहिरा न करना बल्कि आगे बढ़ते चले जाना। जनाबे उम्मे कुलसूम कहती है मैं फौरन वापस आई भैया हसन के हुजरे में गई मेरा भैया नमाज शब में मशगूल था। मैंने फौरन कहा बाबा की अजीब कैफियत है भैया हसन दौड़े फौरन बाबा का इस्तकबाल किया हाथों को पकड़ लिया बाबा ये आपकी क्या कैफियत है। हजरतारो मौला कायनात ने कहा ए बेटा हसन अब खुदा हाफिज तुम्हारा बाबा तुम्हारे दरमियान में नहीं रहेगा। फौरन कहते हैं बाबा मैं आपके साथ जाऊंगा। मौला कायनात ने कहा नहीं बेटा तुम घर में वापस चले जाओ। मौला हसन को वापस कर दिया। आजादारो अब मौला कायनात मस्जिद कूफा में आ गए तारीफ बताती है कंदीले मस्जिद कूफा की बुझी हुई थी। मौला कायनात ने चंद्र का नमाज अदा की नमाज पढ़ने के बाद अजान का वक्त आया गुलदस्ते अजान पर पहुंचे अजान भी सारे सोए हुए नमाजियों को जगाया उस मलून इब्ने मुल्जिम को जगाया। आजादारो कयामत आ गई मौलाए कायनात मेहराबे मस्जिद कूफा में पहुंचे जैसे ही मौला या पहली रकत का पहला सजदा या दूसरा सजदा आजादारो मौला सजदे में सर था अब जरा तसव्वुर कीजिएगा अली का उठता हुआ सर इब्ने मुल्जिम की गिरती।